भाई बोलता है, कोई मुझे बेटा बोलता है, मैं अब गुजरात का भाई और गुजरात का बेटा बन गया हूं। हर परिवार का हिस्सा बन गया हूं। आपको वचन देता हूं, गुजरात चुनाव के बाद आपका भाई बनके, आपका बेटा बनके जब सरकार बनेगी, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। महंगाई हो गई ना सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, घर का खर्चा नहीं चलता ना, बच्चे पालने मुश्किल हो गए, हर चीज के दाम बढ़ गए। सबसे पहले महंगाई दूर करूंगा मैं। 1 मार्च के बाद आपके घर का बिजली का बिल आपको भरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर का बिजली का बिल भरूंगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में भी 1 मार्च के बाद 24 घंटे बिजली आएगी लेकिन बिजली का बिल 0 आएगा। ये मैजिक है, जादू है, 24 घंटे बिजली और बिजली का बिल 0। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब में है, अब गुजरात में भी होगा। ये जादू केवल केजरीवाल को करना आता है और किसको नहीं आता। ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है, भाजपा वालों को भी नहीं आता, कांग्रेस वालों को भी नहीं आता। मैं गुजरात में भी करूंगा सरकार बनने पे। दूसरी चीज, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे। दिल्ली में आप लोगों ने इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा होगा, दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनवाए, बहुत सारे शानदार स्कूल। उसमें गरीबों के और अमीरों के एक साथ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब गरीबों के बच्चे दिल्ली में, रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, गरीबों के बच्चे वकील बन रहे हैं। ऐसे ही तो गरीबी होगी, दूर होगी देश की, है कि नहीं है, जब हम अच्छी शिक्षा देंगे। तो गुजरात के अंदर भी शानदार स्कूल बनवाऊंगा चारों तरफ। अब आपको प्राइवेट स्कूलों की ज्यादा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगा, आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी, आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल, प्राइवेट से भी अच्छे, और खूब मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। गुजरात में भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, हर गांव में 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, 5 रुपए की गोली वो भी मुफ्त, और अगर 10-15 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेंगे वो भी मुफ्त। आपके भी घर के सब लोगों का इलाज मुफ्त कराऊंगा, मैं आपका जिम्मेदारी लूंगा। आपके घर में भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है आपका भाई उसका खर्चा उठाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी भी बहुत हो गई है कि नहीं है, दिल्ली में 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार किए। गुजरात में भी बच्चों को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार बच्चे को हर महीने 3,000-3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बहुत सारे काम करने हैं, आप लोगों से बस ये कहने आया हूं, मैं सीधा साधा आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, शरीफ आदमी हूं, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती उन लोगों की तरह, उन लोगों की तरह मेरे को मारपीट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती। पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, स्कूल बनाने आते हैं। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए मेरे पास आ जाना, और अगर गुंडागर्दी करनी है उनके पास चले जाना। अगर अपने अस्पताल बनाने हैं मेरे पास आ जाना, अगर आपने गाली गलौज करना उनके पास चले जाना, भ्रष्टाचार करना उनके पास चले जाना,
मैं आपकी सड़कें बनवा दूंगा, बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, ये सब करना मेरे को आता है, राजनीति करनी नहीं आती। अभी मैं रस्ते में आ रहा था, कुछ लड़के बीच में चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी। उनको भी कहना चाहता हूं, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, वो जिसका नाम लेना चाहते हैं ले, वो जिसको वोट देना चाहते हैं वोट दें। उनको मैं ये कहना चाहता हूं, उनके बच्चों के लिए भी स्कूल मैं बनवाऊंगा, उनके घर के लोगों का भी इलाज मैं करवाऊंगा, उनकी बिजली भी मुफ्त मैं करूंगा, वो भी मेरे हैं, और एक दिन आएगा जब उनको मैं अपनी पार्टी में शामिल करूंगा, उनका दिल जीतूंगा, उनका दिल जीतेंगे। उनसे मैं कहना चाहता हूं, 27 साल में तुम्हें क्या मिला, 27 साल में क्या दिया आपको? आपके स्कूल बनवाए, आपके अस्पताल बनवाए, कोई बात ही नहीं करता स्कूल अस्पताल की राजनीति में, ना कांग्रेस वाले करते ना बीजेपी वाले करते, कोई बिजली पानी स्कूल अस्पताल सड़क कोई बात ही नहीं करता, रोजगार महंगाई कोई नहीं बात करता, आते हैं बस वोट मांग के चले जाते, एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो, एक और। अरे कितने मौके तो दे दिए तुम लोगों को, और कितने मौके मांगोगे? मैं आज आप लोगों के पास आया हूं, 27 साल तुम लोगों ने उनको दिए, मैं केवल एक मौका मांगने आया हूं, एक बार 5 साल मेरे को दे दो, अगर मैं काम ना करूं अगली बार मेरे को वोट मत देना, अगली बार मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा अगर मैं काम ना करूं। मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, मैं हम लोगों ने कट्टर ईमानदारी से दिल्ली में सरकार चलाई है, पंजाब में सरकार चलाई है, 7 साल से मुख्यमंत्री हूं दिल्ली का, मैं चाहता तो करोड़ों रुपए कमा लेता, हजारों करोड़ रुपए, मेरा बैंक अकाउंट भी खाली है, मेरी पार्टी का बैंक अकाउंट भी खाली है। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, कभी किसी मुख्यमंत्री को देखा ऐसे सड़कों के ऊपर पसीने बहाते हुए? पूरे गुजरात में घूम रहा हूं मैं, सड़कों के ऊपर घूम रहा हूं, धूप के अंदर पसीने बहा रहा हूं। आप लोगों का साथ चाहिए, एक प्रॉमिस करो, मेरे यहां जाने के बाद सब अपना फोन निकालेंगे और व्हाट्सएप खोलेंगे, व्हाट्सएप में जितने भी नंबर एक को मैसेज करेंगे, दोस्त को रिश्तेदार को मैसेज करेंगे कि एक मौका इस बार केजरीवाल को देते हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग अपने अपना खोल के मैसेज करेंगे, जो जो करेंगे हाथ उठाओ जरा, बाकी लोग भी उठा दो यार, क्या भारत हमारे कैंडिडेट यहां से हैं चेतन भाई, इनके इनको भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा मार्जिन से पूरे गुजरात में जिताना है इनको, इनके आगे झाड़ू का निशान होगा, झाड़ू का बटन दबाना है, इतना बटन दबाना है, इतना बटन दबाना है कि बटन खराब हो जाए। थैंक यू।